स्वागत है आपका HYDTV के प्राइम टाइम में। मैं हूं फरहाद। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जनता को मिल सकती है अगले तीन दिनों तक गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन बारिश का जताया अनुमान। रजत कुमार ने बताई ईवीएम की कैसे हो रही है सुरक्षा, परिंदा भी नहीं मार सकता। पर तेलंगाना भर में मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, केटीआर ने मूर्ति तोड़ने वालों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। ईवीएम को लेकर विपक्ष हुआ एकजुट, 20 दलों ने की 50% वीवीपैट मिलान की मांग। और बिहार में गरजे असदुद्दीन ओवैसी, मोदी नीतीश को कहा लैला मजनू। और अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद निवासियों के लिए राहत की खबर है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हैदराबाद में अगले तीन दिनों तक गरज और हवाओं के साथ हल्की बौछारें देखी जा सकती हैं। इस बीच अधिकारियों ने तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि पर भी जनता को सतर्क किया है। 13 अप्रैल को तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 42.3 डिग्री और उसके बाद निजामाबाद में 42.1 डिग्री और मेदक में 41.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र से लेकर श्रीलंका तक फैले अवसाद के कारण कल शुक्रवार को हैदराबाद में बारिश भी हुई थी। हनमकोंडा में सबसे ज्यादा 22.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तेलंगाना राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी रजत कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद सभी ईवीएमों को कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूमों में रखा गया है। उन्होंने ईवीएमों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित ईवीएम कंट्रोल यूनिटों, बैलेट यूनिटों व वीवीपैटों को संबंधित जिलों के स्ट्रांग रूमों में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। उन्होंने इन केंद्रों व स्ट्रांग रूमों में पालन किए जाने वाले सुरक्षा को संबंधित नियम बताते हुए कहा कि प्रत्येक स्ट्रांग रूम के पास एक प्लाटून सुरक्षाकर्मी है। उन्होंने ये भी बताया कि इन स्ट्रांग रूमों के पास कड़ी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इनमें पहले सत्र पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे सत्र पर स्टेट पुलिस फोर्स और तीसरे सत्र पर स्थानीय पुलिस 24 घंटे तैनात रहेंगे। टीआरएस नेता एन वेंकटेश को शनिवार को ईवीएम स्ट्रांग रूम में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और फोटो क्लिक करने के आरोप में आज गिरफ्तार किया गया है। आरोपी स्थानीय टीआरएस नेता है और कीसरा की सरपंच माधुरी का पति है। सर्किल इंस्पेक्टर नरेंद्र गौड़ ने कहा कि आरोपी स्ट्रांग रूम में मौजूद था जबकि चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम को रखा जा रहा था और बोग्राम इलाके में कमरे को सील कर दिया गया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। आईटी ग्रिड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो डेटा चोरी विवाद में उलझी हुई है, इसने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आधार डेटा से तेलुगुदेशम पार्टी के सेवा मित्र ऐप के जरिए 7 करोड़ 82 लाख लोगों के निजी जानकारी हासिल कर चुका है। मादापुर पुलिस के पास दायर शिकायत में आधार के उप निदेशक टी भवानी प्रसाद ने कहा कि डेटाबेस संरचना और आकार आश्चर्यजनक रूप से उन डेटाबेसों के बिल्कुल समान है जो मूल रूप से यूआईडी के हो सकते थे। प्रसाद ने 15 मार्च को डेटा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल यानी एसआईटी से बातचीत की थी। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में शोभा यात्रा निकाली गई है। रविवार की सुबह श्री राम नवमी के अवसर पर सीताराम बाग रानी अवंतीबाई मंदिर से ये शोभा यात्रा निकाली गई है। गोलीगुड़ा स्थित हनुमान व्यायामशाला तक चलने वाली इस शोभा यात्रा में श्री राम उत्सव समिति, बजरंग दल, बीजेपी विधायक राजा सिंह और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
पुलिस ने किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगभग 5000 पुलिस शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। शोभा यात्रा के मार्ग पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी गई। दूसरी ओर नगर पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने आदेश दिया है कि शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामनवमी शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम पूरे पब्लिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादा में ये शोभा यात्रा है। आप लोग मिलकर पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें, और इसमें जहन में ये बात ज़रूर रहे कि किसी दूसरे कम्युनिटी को किसी तरीके का तकलीफ ना हो, किसी तरीके का उनके सेंटिमेंट्स, उनके भावनाओं के साथ कोई छेड़खानी न हो। हम लोग सब आपके सर्विस में हैं। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 10 फीट की प्रतिमा को डंप यार्ड में क्षतिग्रस्त हालत में पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। अन्य जानकारी के अनुसार लोगों के एक समूह ने शनिवार को भारतीय संविधान के जनक की 128वीं जयंती के अवसर पर जीएचएमसी से मंजूरी प्राप्त किए बिना शनिवार की सुबह पंजागुट्टा में अंबेडकर की प्रतिमा लगाई। हालांकि अधिकारियों ने यह कहते हुए प्रतिमा को हटा दिया कि मूर्ति को स्थापित करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी और इसे कोटला विजय भास्कर स्टेडियम में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसे बाद में डंपिंग यार्ड में क्षतिग्रस्त पाया गया। इस बीच जी विनोद कुमार की अगुवाई वाली अंबेडकर प्रतिमा संरक्षण समिति ने पंजागुट्टा से मूर्ति हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुमार ने कहा कि उन्होंने मूर्ति स्थापित करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। उन्होंने आगे कहा कि वो विरोध को तेज करेंगे क्योंकि पुलिस और जीएचएमसी ने डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जयंती पर ही अपमानित किया है। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने प्रगति भवन में रविवार को 128वीं जयंती पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बोलते हुए केटीआर ने कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर छोटे राज्यों के बारे में नहीं सोचते तो आज तेलंगाना नहीं बनता। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान अपनी नीतियों को चुना था और एक अलग राज्य हासिल किया था। अंबेडकर प्रतिमा की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केटीआर ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केवल अंबेडकर गार चलवाद शासनसभा अनुमति गानी, शासनसभा अप्रूवल गानी, शासनसभा तीर्मान गानी अवसरं लेकुंडाने भारत प्रभुत्वं पार्लमेंट लो नेरुगा बिल्लु पेट्टि कोत्त राष्ट्रान्नि एर्पाटु चेयवच्चु अने माट निजंगा तेलंगाण एर्पाटुकु श्रीराम लक्ष्यं। నిన్న ఒక సంఘటన జరిగింది హైదరాబాద్లో పంజగుట్ట ప్రాంతంలో. దానికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం స్పందించింది. బాధ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విషయంలో కఠినాతి కఠినమైన చర్యలు కూడా ప్రభుత్వం తీసుకుంటానని చెప్పి ఇప్పటికే స్పందించింది. తప్పకుండా అవమానాన్ని మనందరం ముక్త కంఠంతో ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. బాధ్యులు ఎవరైనా సరే, తప్పు చేసింది ఎవరైనా సరే, వారు ఎంత పెద్దవారైనా, ఏ పార్టీ వారైనా, ఏ ఉద్దేశంతో చేసినా దాన్ని తీవ్రాతి తీవ్రంగా डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज टैंक बंड स्थित अंबेडकर की मूर्ति पर कमिश्नर अंजनी कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर व अन्य पुलिस अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आम जनता की बड़ी संख्या भी उपस्थित थी। नारायणपेट टाउन में स्थित मक्का मस्जिद में आज हजरत सैयद शाह शहाबुद्दीन अहमद कादरी की 33वीं सालाना फातिहा की महफिल आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी ने की। इसके बाद मौलाना अलहाज सैयद शाह आरिफुल्ला बादशाह कादरी नोमानी ने भाषण दिया। इस अवसर पर फातिहा की महफिल के अंत पर भोजन का भी प्रोग्राम रखा गया। मीडिया से बात करते हुए मौलाना ने इस महफिल के आयोजन पर तमाम का शुक्रिया अदा किया और दुआ भी की। मक्का मस्जिद में 33वां सालाना फातिहा हजरत सैयद अहमद पाशा कादरी मनाया गया, मुनाकिद हुआ और सैकड़ों भाइयों ने इस फातिहा में शिरकत की। खाने का भी बड़ा इंतज़ाम था। मैं हर साल बराबर फातिहा खाने में हाजिर होता रहा हूँ।
और तमाम भाइयों से मिलने का मौका मिल जाता है और जिस पाबंदी से नारायणपेट में फातिहा खानी मनाई जा रही है ऐसा दूसरे मुकामात पर देखने में नहीं आया। अलबत्ता सोलापुर में 13 तारीख को हर उर्दू 13 तारीख को फातिहा खानी होती है। कस्टम्स ऑफिशियल्स ने रविवार को शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी RGIA पर एक यात्री से 37 लाख रुपए का सोना जब्त किया है। ये यात्री दोहा से फ्लाइट नंबर 6E1714 में आया है जो 1900 ग्राम वजन के पेस्ट रूप में सोना लेकर जा रहा था जो उसके अंडरगारमेंट से बंधे कपड़े की थैली में छुपा हुआ था। ग्रीन चैनल से गुजरते समय यात्री को रोक दिया गया। पेस्ट को पिघलाने और बदलने पर करीब करीब 37 लाख रुपए मूल्य का सोना निकाला गया। हैदराबाद में एक अप्रिय घटना प्रकाश में आई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लवन्या की निर्मम हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने लवन्या की हत्या करने के बाद सूटकेस में बंद किया। उसके बाद सूटकेस को कुतबुल्लापुर सुरारम कॉलोनी के कृषि स्कूल के बाजू नहर में फेंक दिया गया। आरसीपुरम पुलिस ने संदेह व्यक्त किया है कि प्रेम व्यवहार की इस हत्या का कारण हो सकती है। दो ही दिन पहले घर से चली गई लवन्या की इस प्रकार हत्या का शिकार हो जाने से सनसनी फैल गई है। पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। कोदारा खम्मम क्रॉस रोड के पास भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सभी लोग रामनवमी के जुलूस में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। लॉरी और ऑटो की भिड़त में इतनी संख्या में लोगों की जान चली गई। बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने एकजुट होकर हमला किया है और बैलेट पेपर की वापसी की मांग की है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के 2 दिन बाद आज यानी रविवार दोपहर में करीब 20 दलों ने एक साथ ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बैठक की और कहा कि कम से कम 50% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग को लेकर वे उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। हालांकि विपक्ष ने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की थी मगर लोकसभा चुनाव जारी है और इतने कम समय में इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसे देखते हुए विपक्ष ने कहा कि इस चुनाव में कम से कम 50% मतदान पर्चियों का मिलान करने की व्यवस्था हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम ईवीएम के बारे में संदेह उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम 21 पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। चुनाव आयोग से आगे जाएं तो वो संस्थाएं इस देश की जो गणतंत्र को संरक्षक जो गणतंत्र का संरक्षक करती हैं वो भी शायद इन मुद्दों पे पूरा पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस फर्स्ट फेज में हमने अजीबोगरीब कहानियां सुनी। बटन एक्स पार्टी का दबाव वोट वाई पार्टी को जाता है। VVPAT की बात करते हैं, 7 सेकंड तक दिखेगा, दिखता सिर्फ 3 सेकंड तक है, 4 सेकंड तक है। लाखों वोटर ऑनलाइन डिलीट हो जाते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया से बिना शारीरिक वेरिफिकेशन के, इत्यादि इत्यादि। इसकी लंबी लंबी सूचियां सब पार्टियों ने दी हैं चुनाव आयोग को। Asking today, we are raising doubts about EVVM, VVPAT, and also on EVM for the last so many days, so many years. Originally, there is no VVPAT. All of us struggled, finally they accepted. Just now, Singhviji has rightly mentioned, this is the reference of earlier judgment. उधर भाजपा राज्यसभा सदस्य GVL नरसिम्हा राव ने कहा कि TDP अध्यक्ष एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले ही बौखला रहे हैं, उन्हें चुनाव में हार का डर सता रहा है। वो इसी के खिलाफ आरोप लगाकर खुद की साख बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 के चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम का ही उपयोग किया गया था।
अब भी ईवीएम का उपयोग किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू को ईवीएम को लेकर अब आशंका क्यों पैदा हो रही है। वर्ष 2014 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, वही इस बार तबाह क्यों नहीं। जीवीएल ने कहा कि अधिकारियों के तबादले करने पर चंद्रबाबू आपत्ति क्यों व्यक्त कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 3 करोड़ लोगों ने अपने मत अधिकार का उपयोग किया है, उन्हें ईवीएम को लेकर कोई आपत्ति नहीं हुई, अकेले चंद्रबाबू को ही ऐसा क्यों लगा। मुख्यमंत्री మరి ఆయన వత్తాస పలుకుతాయి, 22 పార్టీలు వస్తాయి అని చెప్పుకున్నారు. ఈ రోజున మరి కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో జరిగిన మీటింగ్లో కేవలం 3 పార్టీలు మాత్రమే వచ్చాయని, అందులో మరి తెలుగుదేశం మినహా కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వారే వచ్చారని చెప్తున్నారు. సో మీ వైఫల్యాలకి కారణం ఏమిటో ఇతర పార్టీలకు కూడా అర్థమైంది. అందుకే మీరు చెప్పే సాకులతో కలిస్తే మనకు కూడా ఓటమి తప్పదన్న భయంతోనే వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నట్టుగా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2014 के मुकाबले इस बार देश में बीजेपी के फेवर में ज्यादा लहर है। राजनीति अपनी जगह होती है, चुनाव अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये भी न भूले, नेता भी आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हमारा ये देश हमेशा हमेशा रहेगा। ये देश है तभी राष्ट्र रक्षा का भाव और राष्ट्रवाद है, लेकिन देश में कुछ लोग मोदी के विरोध में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको राष्ट्रवाद गाली के रूप में नजर आने लगा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लैला मजनू की जोड़ी करार दे चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असीम प्रेम है और दोनों की जोड़ी लैला मजनू की तरह लगती है। ओवैसी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट मांग रही है, जबकि उसके शासन में ही भागलपुर के दंगे और बाबरी मस्जिद के परिसर को खोलने जैसे अत्याचार हुए थे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। ये लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। ये नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी, मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, मजनू कौन है, आप फैसला करें। मगर जब नीतीश कुमार के और मोदी के इश्क की कहानी लिखी जाएगी तो सुनो लैला और मजनू, सुनो जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा उस दास्तान में, नफरत का नाम लिखा जाएगा तुम्हारी दास्तान में। जब तुम्हारी दास्तान लिखेगा मौर्ख, सुनो नीतीश कुमार और मोदी, आज तो मौर्ख का कलम आजाद नहीं है, मगर मुझे यकीन है जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी मोदी की और नीतीश कुमार की, तो मौरख लिखेगा कि जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाव में इजाफा हुआ है, जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में अमन को खतरा पैदा हो गया, जब से ये दोनों एक साथ आए गाय के नाम पर कई मासूम लोगों को। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी के नाम से एक फेक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस वायरल होते
फेक लेटर की वजह से शायद भाजपा की भी नींद उड़ी हुई है। ये पत्र वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी के नाम लिखा गया है। पत्र में पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा को 91 सीट में से महज 8 से 10 सीट जीतने की बात लिखी है। हालांकि जानकारी मिलते ही मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल की तरफ से ऐसे किसी भी पत्र का खंडन किया गया है। वायरल हुए इस पत्र में लिखा गया है कि कैसे पार्टी ने उनके जीवन भर की तपस्या को व्यर्थ कर दिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्राइम टाइम में ये थी आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। हैदराबाद, तेलंगाना, देश व दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HYDTV।